बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे जी। नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूं एक छोटी सी मस्जिद में, एक गांव में, जहां पे लोगों ने एक दस्ती एक छोटी मस्जिद बनाई हुई है, जहां पे माशाल्लाह 60 से 70 बच्चे यहां पे पढ़ते हैं। हमारे पास कारी सजाद अहमद मौजूद हैं और इनके अलावा यहाँ पे गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ पे प्रॉपर एक मस्जिद नहीं है। आप लोगों ने देखा, बच्चे यहाँ पे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, बच्चे यहीं पे बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। आप लोगों ने बच्चों को देखा, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जो हिफ्ज करते हैं। हमारे कारी साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हम कितनी मुश्किलात का सामना होता है और यहाँ पे इतने जो लोग जमा हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमारा यहाँ पे आने का क्या मकसद है और यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं और किन किन मुश्किलात का यहाँ पे सामना होता है, हम कारी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरखैरियत से हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, एक तो यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन 60-70 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा गाँव है, ये पूरा गाँव है, गाँव में कितने घराने होंगे? तकरीबन 50-60 घराने हैं। मतलब 50-60 इस गांव में घराने हैं और यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। कदीम ज़माने से यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद चलती आ रही है। पहले ये भी कच्ची थी लेकिन बारिशों में ये टूट गई, फिर इन लोगों ने खाली ईंट यहाँ पे रख दी। ये देख रहे हैं, खाली यहाँ पे इन लोगों ने ईंट रख दी हुई है एक्सपोर्ट के लिए, ताकि कुत्ता बिल्ला अंदर ना आ सके, बच्चे भी यहाँ पे स्कूल से सेफ्टली यहाँ बैठ सके, पढ़ सके। यहाँ पे ये आलम है जी, हमारे पास गांव के अक्सर लोग जमा हैं। यहाँ पे सबका जमा होने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक मस्जिद नहीं है, एक यहाँ पे छोटी सी अगर मस्जिद बन जाए, छत वाली पुख्ता और मजबूत यहाँ पे मस्जिद बन जाए, तो यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी, इन लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी, इन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हाफिज साहब मेरे आने से पहले मुझे आरफ साहब ये कह रहे थे, अब बारिश आती है ना तो हम बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, मतलब उस टाइम इनका पढ़ाई पे हार जाता है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो बच्चों को यहाँ पे ओपनली हम धूप में नहीं बिठा सकते, अगर फुल सर्दी हो फिर भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना इम्पॉसिबल होता है। तो मतलब पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा हार जाता है, बच्चे सही से यहाँ पर तलीम, दीनी तलीम हासिल नहीं कर सकते। बेशक नमाज दीन का स्तून है और इल्म, दीनी इल्म ही इस्लाम में जो है वो दीनी इल्म लेने को तरजीह दी गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे माशाल्लाह बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और यही बच्चे यहाँ से हाफिज़ बन के जाएंगे, यहाँ पे इनकी बेस बन रही है, आगे जाके हाफिज़ बनेंगे, इसी तरह लोगों को आगे दर्स देंगे, कुरान पाक की तालीम सिखाएंगे। हाफिज़ आप ये दसो, इतना दूर दूर तक कोई मस्जिद कोई नहीं? दूर दूर तकरीबन 8-10 किलोमीटर बांटे हैं। 8-10 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं है यहाँ पे? अच्छा, तो अगर गाँव वाले नमाज पढ़ने तो वो भी यहीं पढ़ते हैं? यहाँ पे 5 वक्त नमाज होती है जी। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे 5 वक्त बाजमात नमाज होती है। कारी साहब, कारी सजाद साहब यहाँ पे होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, गांव वाले सारे हो जाते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कुछ अभी कम है, काफ़ी सारे लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं यहाँ पे। ये बस्ती वाले, ये गाँव वाले ऐसे हैं कि ये मतलब इस तरह है कि इनके अपने कच्चे घर हैं, इनके अपने कोई प्रॉपर ज़मीन नहीं है, ये सारे चंदा करके यहाँ पे एक मस्जिद बनवा सके। ये वो खुद बहुत ज़्यादा गरीब हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे इनके बच्चों को एक प्रॉपर पक्की मस्जिद बना दें, ताकि यहाँ पे बच्चे जो है वो सुकून से नमाज अदा करें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें और ये जो हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्गान यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी यहाँ पे आके सुकून से 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अब साफ ज़रा जब बारिश होती होगी तब भी यहाँ पे नमाज अदा नहीं कर सकते, और जब फुल गर्मी है, फुल धूप है यहाँ, तब भी ये लोग यहाँ पे आके नमाज अदा नहीं कर सकते। काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, दीनी तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है, अल्लाह पाक की इबादत करने में यहाँ पे मुश्किलात का सामना हो रहा है, ये यहाँ पे आलम है जी। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों के लिए, इन गांव वालों के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। हाफिज़ साहब ये बताएं कि अभी किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? मस्जिद की ज़रूरत है। अच्छा, मस्जिद तो बना रहे तो बच्चे सुकून पढ़ सकते। बिल्कुल, गर्मी है, सर्दी है। हाँ जी, मतलब हूँ अगर बारिश हो गई या कोई धूप कोई गर्मी हो गई तो बच्चे तो छुट्टी दे देंगे जी, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हर्ज होंगे जी। चले, इस तरह हम गांव वाले भी मेरे पास मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे मस्जिद वाकई होनी चाहिए, क्या यहाँ पे अच्छा ज़रूरत है मस्जिद की, क्या दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, हम इन गांव वालों से पूछते हैं। आ जाएँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है कदीम ज़माने से? कोई मस्जिद कोई नहीं था, सवेल दास साहब थे, था कोई नमाज वास्ते बमौके थे। अच्छा,
ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੇਬੋ ਕਰਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੋ ਮਸਜਿਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਇਥਾਂ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 8 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਮਸਜਿਦ ਦੂਰ ਮਸਜਿਦ अच्छा इसके अलावा यहाँ पे ये जो छोटी मस्जिद आप लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है यहाँ पे पांच वक्त नमाज होती है इंशाल्लाह पांच वक्त होती है अच्छा माशाल्लाह सारे यहाँ पे बुजुर्गान मौजूद है क्या यहाँ पे बाकी सब मस्जिद की जरूरत है सब बताएं आप बाकी यहाँ पे जरूरत है अगर हम यहाँ पे मस्जिद बना दें तो आसानी हो जाएगी सबके लिए पूरे गाँव वालों के लिए चले अल्लाह पाक जो है वो वसीला बनाए अल्लाह पाक खैर करें अल्लाह पाक इन पूरे गांव वालों पे रहम करें अल्लाह पाक इन बच्चों पे रहम करें जो यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के मकसद से यहाँ पे सारे जमा हुए हैं तो हाफिज आप दुआ करवा दें हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी ये परेशानी है इन गाँव वालों की परेशानी इन बच्चों की परेशानी दूर करें अल्लाह पाक आपके लिए एक वसीला बनाए ताकि हम यहाँ पे एक पक्की और मजबूत मस्जिद बना सकें दुआ करवा दें अल्लाह आमीन नाजरे कराम इससे पहले भी हम एक मस्जिद का इफ्तिताह कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ेर तमीर है और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएगी बिल्कुल वो भी बिल्कुल इसी तरह था यही उनकी सिचुएशन थी और बच्चे नीचे बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे हमने वीडियो बनाई थी अब लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचाई थी और हमारी एक अम्मा जी ने वहाँ से देखा और वो मस्जिद बनाने का फैसला किया आज भी ये सब यहाँ पे जमा होने का मकसद सिर्फ यही है यहाँ पे इनको मस्जिद की ज़रूरत है अल्लाह पाक घर बनाना चाहिए देखें अल्लाह पाक अगर आप घर बनाते हैं तो वो जब तक आबाद रहेगा जब तक वहाँ पे बच्चे पढ़ते रहेंगे जब तक वहाँ पे ये इस तरह के लोग गाँव वाले नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक आप लोगों का सवाब मिलता रहेगा बेशक ये चीज़ तक क़यामत रहेगी मस्जिद इंशाल्लाह तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है सब लोग हिस्सा मिलें और हम इंशाल्लाह एक मस्जिद यहाँ पे बनाना चाहते हैं हमारे गांव वाले हम सब यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं सारे यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं ताकि ये सब सुकून से अमन से बैठ के कुरान पाक जैसी पाक तलीम हासिल कर सकें और यहाँ से हाफिज बन के आगे जाएँ और बच्चों को तलीम दें जज़ाकअल्लाह खैर इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे सारे लोग मिलके मस्जिद हमेशा एक इंसान से नहीं बनाई जाती सारे लोग जमा होके एक मस्जिद तमीर करते हैं और सारे लोग जमा होके उस मस्जिद को आबाद करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब मिल के इंशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद बनवाएंगे जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहे आएँ एक यहाँ पर पुख्ता और पक्की मस्जिद बनवाएंगे इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़